ये मुझे बताइए, आज जब बजट जो है वो कुर्सी बचाओ साथी पटाओ और बदला लेते जाओ बजट बन गया है, तो ऐसे में सरकार को सच का आईना तो दिखाना पड़ेगा। मीटिंग में जाने से क्या फायदा, बजट आ चुका है, जिस बजट में जो कुछ करना था इन्होंने कर दिया है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी। कोई सरकार का धर्म नहीं है, सरकार सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, वहाँ नीति आयोग में जाके कोई फायदा नहीं। मेरा मानना है कि इस चीज़ का वो गैर शासित जो बीजेपी रूल स्टेट है उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय तो हो ही रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया, मोर्चाबंदी की और साथ ही धूमधाम से इसका आगाज किया। लेकिन जैसे जैसे 24 का रण नजदीक आया वैसे वैसे सहयोगी खिसकते चले गए। सबसे पहले सूत्रधार नीतीश कुमार, फिर जयंत चौधरी जैसे साथी भी टीम मोदी का हिस्सा बन गए। एक नाम जो कहने को तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन उनकी वजह से विपक्ष की हर बार खिल्ली उड़ाई गई। हम बात कर रहे हैं ममता दीदी की, जो कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल हो रही हैं। और इतना ही नहीं, विपक्षी खेमे से एक और मुख्यमंत्री यानी कि झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन भी इस बैठक में जा रहे हैं। ममता और हेमंत सोरेन का फैसला विपक्ष के लिए फजीहत का सबब तो है ही, साथ ही सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस विपक्षी दलों को एकजुट करने में नाकाम रही है। इस मीटिंग में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के सीएम शामिल नहीं होंगे, जिसमें केरल है, तमिलनाडु है और पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर ममता बनर्जी बार बार विपक्ष की रणनीति को पलीता क्यों लगा देती है। आपको याद होगा, इससे पहले ममता ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया था और वो इस पर कायम भी रही। दरअसल विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर बजट में भेदभाव करने का आरोप लगाया। आरोप ये लगाया कि उनके राज्य को नजरअंदाज किया गया और इसी बात को लेकर विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री इस बैठक को बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने फिर से एक अलग रूट लेकर विपक्षी खेमे की फूट को उजागर कर दिया। आज इसी मुद्दे पर दहाड़ में करने वाले हैं चर्चा, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने क्या कहा, साथ ही विपक्ष के कुछ नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए इस विरोध को लेकर। किंतु এদের যে আচরণ, তারপরে আমাদের স্পিচ পাঠাতে বলেছিল 7 দিন আগে, রিটেন স্পিচ, তারপরে বাজেট হয়েছে, বাজেটেও যেভাবে বাংলা সহ অপোজিশন স্টেটগুলোকে টোটাল বঞ্চনা করা হয়েছে, বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হয়েছে, তার জন্য আমরা এই ডিসক্রিমিনেশনটা, এই পলিটিক্যাল বায়াসনেসটা মেনে নিতে পারছি না। ভারত সরকার নে মানা হ্যায় কি আপদা আই হুই হ্যায়, ভারত সরকার নে মানা না তবি বোলা, উন আপদা প্রভাবিত ক্ষেত্রোকে কে লিয়ে তো দে রহে হ্যায়। আগর কংগ্রেস কি সরকার হ্যায় তো হম ভি ইস সংঘাতমক ঢাঁচে কে, হম ভি এক রাজ্য হ্যায় और हम चाहते हैं कि वो हमारी इस बात को रखे और अगर आप और हमारे साथ चले। मेरा मानना है कि इस चीज़ का वो गैर शासित जो बीजेपी रूल स्टेट है उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय तो हो ही रहा है। नीति आयोग के अंदर नीति बननी चाहिए, यहाँ तो नीति है ही नहीं, कोई सरकार की कोई नीति नहीं है। कोई सरकार का धर्म नहीं है, सरकार सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, वहाँ नीति आयोग में जाके कोई फायदा नहीं है। हिंदी की कहावत है, छाज तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 1000 छेद। इसलिए मुझे बताइए, आज जब बजट जो है वो कुर्सी बचाओ साथी पटाओ और बदला लेते जाओ बजट बन गया है, तो ऐसे में सरकार को सच का आईना तो दिखाना पड़ेगा। भाजपा की एक ही नीति है, वो है विध्वंस नीति, सब कुछ तोड़ देना। उस विध्वंस नीति के खिलाफ सारा विपक्ष इकट्ठा खड़ा है, परंतु हर पार्टी कौन से मीटिंग में वो जाएंगे या नहीं जाएंगे इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। मीटिंग में जाने से क्या फ़ायदा, बजट आ चुका है, जिस बजट में जो कुछ करना था इन्होंने कर दिया है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी जो गरीब विरोधी हो, मजदूर विरोधी हो, नौजवान विरोधी हो, महिला विरोधी हो।
तो आइए सबसे पहले दहाड़ में कुछ सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज जिस पर रहेगी दहाड़ में चर्चा वो ये कि बार बार विपक्ष ये फजीहत क्यों करवाती है ममता बनर्जी। क्या ममता और हेमंत सोरेन ने विपक्ष को झटका दे दिया है? क्या नीति आयोग का विरोध संघीय व्यवस्था पर चोट है? क्या विपक्षी पार्टियों को एकजुट कांग्रेस नहीं रख पा रही है? और क्या गैर बीजेपी शासित राज्यों से केंद्र ने भेदभाव किया है? क्योंकि ये आरोप बड़ा है, ये गंभीर आरोप है और दूसरी तरफ जो विरोध किया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है, उसका आधार भी यही है। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा हमारे साथ हैं, एलजेपीआर को रिप्रेजेंट कर रहे विनीत सिंह, सुमित मेहरोत्रा टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और एक एक मिनट का टाइमर रहेगा ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए और उसके बाद इस डिबेट को ओपन किया जाएगा। सबसे पहले नीरज मिश्रा आपके पास आते हुए, आप ये कहते हैं कि सरकार सुनती नहीं, सरकार सुनती नहीं, सरकार सुनती नहीं, जब मुख्यमंत्रियों को अपने राज्य की सोचनी चाहिए, नीति आयोग की बैठक का हिस्सा होना चाहिए और जो नाराजगी है उस बैठक में पहुंचकर उसका जिक्र करना चाहिए, उस मुद्दे को उठाना चाहिए, सबसे आसान होता है कि बॉयकॉट कर देते हैं। ये जो बॉयकॉट की राजनीति चल पड़ी है, क्या यह व्यक्तिगत राजनीति को ऊपर रखती है और देश हित या राज्य हित को नीचे नहीं रखती? पूर्णिमा जी, मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत एक सवाल के साथ कर देता हूं कि फजीहत तो शायद लखनऊ में हो रही है जहां मुख्यमंत्री जी की अपनी पार्टी के उप मुख्यमंत्री उनकी मीटिंग्स में नहीं पहुंचते, तो फजीहत तो उसे कहते हैं। और राजनीति करने के कई तरीके होते हैं जिसमें से एक तरीका है उस मीटिंग के अंदर जाकर विरोध करना और एक दूसरा तरीका है उस मीटिंग में ना जाना। तो विरोध के जो दोनों तरीके हैं वो विपक्ष ने इख्तियार किए हैं। ममता जी को, हेमंत जी को लगता है कि उस मीटिंग में जाकर बोलने से उनकी बात सुनी जाएगी, हमें लगता है कि उस मीटिंग में ना जाकर हम जब जनता के सामने अपनी बात रखेंगे वो बात और अच्छे तरीके से सुनी जाएगी। लेकिन सभी पार्टियों का जो भाजपा के साथ नहीं है उनका उद्देश्य यही है कि ये जो जन विरोधी बजट इस बार आया जिसके अंदर आम आदमी की कमर तोड़ दी गई, उस बजट का विरोध करना है, क्योंकि इस सरकार ने द्वेष की भावना उन सभी राज्यों के साथ दिखाई है जहां पर भाजपा की सरकार नहीं। ठीक है, सुमित मेहरोत्रा आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी का फैसला नीति आयोग की बैठक में शामिल होना जाहिर है कि सरकार को तो पसंद आ ही रहा है क्योंकि वो उसमें शामिल होंगी और अपने तरीके से अपने विरोध को दर्ज करवाएंगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अलायंस के साथ अलाइनमेंट ममता दीदी का हर बार अलग क्यों नजर आता है? ईडी का अपना तरीका है विरोध का, ना तो वो कांग्रेस से पूछ के करती है, ईडी को जो अच्छा लगता है विरोध करना है। लेकिन बंगाल के लिए अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम विरोध कैसे करें? कि हम कांग्रेस से अगर आगे कहेंगे कि हमें मिलेगा फंड, नहीं मिलेगा, हमें फंड तो नहीं मिलेगा। नीति आयोग की जो नीति आयोग की गलत नीतियां चल रही है विरोध तो हमें करना है, हम दुकान में पहुंच करके हमें उनका पक्ष में नहीं कर रहे हैं, हम उनके भारतीय जनता पार्टी के हम पक्ष में नहीं जा रहे हैं, विरोध है हमारा, हम विरोध में है विरोध में ही रहेंगे। पर आज आप मुझे बताइए जिस तरीके से ये बंगाल को अलग करके काम करना चाहते हैं इनके नेता लोग, क्या वो सही है? क्या वो दीदी होने देंगी? नहीं होने देंगी, बिल्कुल नहीं होने देंगी। जब तक वो जिंदा है शेरनी की तरह लड़ती रहेगी, चाहे एनडीए सरकार हो चाहे ना हो। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि जब दीदी यूपीए गवर्नमेंट से थी तो कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर दीदी ने विरोध करा, वो आम जनता के हित के काम करती है, आम जनता के हित के लिए करती है काम कि उनके उनको सुविधा मिले अपने पेट के लिए नहीं। पर आज भारतीय जनता पार्टी अपने पेट के लिए अपने नेताओं के लिए काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कांग्रेस के साथ है, उनका कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के लड़ाई कर रही है, उसको नहीं दिख रहा है। स्टेटमेंट आपका ले चुकी हूं, उसको आप आगे विस्तार दीजिएगा। एसएन सिंह साहब आपके पास आते हुए, विपक्ष का विरोध क्या सरकार को बैकफुट पर लेकर आ रहा है किसी भी तरीके से? क्योंकि बजट पेश किया गया, आपने तो इस बजट को देशहित का बजट बताया, विजन ऑफ 2047 का बजट बता दिया, लेकिन विपक्ष ये कहने से नहीं चूक रहा है कि क्योंकि गठबंधन धर्म निभाना है तो अब की बार नायडू नीतीश कहना है और बाकी जो राज्य हैं उनकी नजरअंदाजी पूरी तरीके से की गई, इसीलिए हम नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले कांग्रेस के साथ जब दूसरे दल मिले वो भी उसी विचारधारा पे चल पड़े जैसे अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी कांग्रेस चलती थी। संवैधानिक संस्था को कब तवज्जो देने का कार्य किए? सुभाष चंद्र बोस जी के साथ नहीं खड़े हुए कभी उस बैठक का बहिष्कार कर गए थे, बाल लाल पाल का बहिष्कार कर गए थे और अम्बेडकर जी के साथ नहीं खड़े होना
जो भारत के टुकड़े होंगे हिंसाचार के साथ खड़े होना, ये कांग्रेस की मर्यादा है। आप देखे होंगे जब भारत का संसद बनता है तो भी वह इसका G20 होता है तो भी वह इसका, तो मुझे तो लगता है कि भारत की जो संवैधानिक संस्था है वो संवैधानिक अधिकार के दायरे में बनी हो, संवैधानिक संस्थाओं का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। आपके बहिष्कार से होता क्या? अरे जब आपको काम पड़े बहाना बनाइए तो निश्चित तौर पर देश की जनता देख रही है कि जैसे विदेशी मूल के अंग्रेज भारत में बंटवारे का काम करते थे वैसे ही कांग्रेस उन नीतियों पर चल पड़ी है कि हिंदुओं को जातियों में बांट दीजिए, धर्म को इकट्ठा करिए, क्षेत्रों में बांट दीजिए, राज्यों में बांट दीजिए। इस तरह से अगर बहिष्कार से होता ये है, बहिष्कार से होता ये है सर कि एक नैरेटिव सेट होता है और वो नैरेटिव विपक्ष सेट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक बार जरा सिंह साहब का ऑडियो रिकरेक्ट करवाएंगे, एस एन सिंह साहब आपका एक बार मैं ऑडियो रिकरेक्ट करवाती हूँ जरा, और आपका ओपनिंग स्टेटमेंट मैं ले चुकी हूँ। राकेश शुक्ला जी आपके पास आने से पहले जरा इजाजत के साथ विनीत सिंह जी के पास जाना चाहूंगी। विनीत सिंह जी, इस बहिष्कार से क्या कोई फर्क पड़ेगा? नुकसान किसका, फायदा किसका, या फिर राजनीति ज्यादा चमकेगी सिर्फ और सिर्फ बहिष्कार से? लाइमलाइट में रहेंगे, हेडलाइंस बनेंगी, चर्चा होगी, डिबेट्स होंगी और एक बार फिर से बताया जाएगा कि विपक्ष अपने स्टैंड पर कायम है। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो जनता का घाटा होगा। और ये तो रेगुलर ऑफेंडर है ना, ये पहली बार थोड़े कर रहे हैं, ये 2023 में इन्होंने किया था। और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि ये किस मुंह से जाते हैं अपने जनता के बीच में, जो जनता इनको अपना वोट देती है, अपना समर्थन देती है कि आप हमारे बारे में जाके जो नीति आयोग जो एक प्लानिंग बॉडी है वहां पे आप डिस्कस करें कि भैया हमें ये चीज चाहिए, हमें इसका आवंटन चाहिए, आप जाते ही नहीं है वहां पे। और अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे थे कि फजीहत बीजेपी में यूपी में हो रही है, ये तो हमारा अंदरूनी मामला है। पूर्णिमा जी, फजीहत का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इंडी ब्लॉक का सबसे बड़ा घटक दल कांग्रेस नहीं जाता है और बाकी दो महत्वपूर्ण पार्टियां टीएमसी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पहुंच जाती है। ये फजीहत का नया रूप है और नया आयाम। मेरा तो ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और पीएमओ से कि ऐसे व्यक्ति और ऐसी पार्टियां जो नीति आयोग की मीटिंग में नहीं पहुंचती और ऐसे हो और व्यक्तिगत टाइम मांगते हैं अपने कुछ काम के लिए, तो इनको समय नहीं दिया जाए और कहा जाए कि अगर आपको कुछ कहना है तो आप नीति आयोग के मीटिंग में आइए, अन्यथा अपने घर में बैठिए। ठीक है, ठीक है। राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हो और राकेश शुक्ला जी के लिए टाइमर नहीं रखेंगे। राकेश शुक्ला सर, आपसे समझने की कोशिश करूंगी, नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार, मतलब आपको नीति नहीं बनानी जो आपकी नीयत पर सवाल खड़े करती है, फिर ऐसे में ममता बनर्जी का और हेमंत सोरेन का इस बैठक में शामिल होना और ये कहना कि हम अपना विरोध रखेंगे, अगर वो कहने की इजाजत देंगे हम अपनी बात को रखेंगे, दूसरी तरफ पूरा का पूरा अलायंस एक सुर में कहता है कि नहीं जी हम तो बहिष्कार करेंगे क्योंकि कांग्रेस शासित या अलायंस शासित प्रदेशों को कुछ भी नहीं मिला है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है अलायंस के बीच में ये दर्शाता क्या है? और क्या एक अलाइनमेंट है नहीं कांग्रेस के बीच में या अलायंस के बीच में ऐसे बड़े मुद्दों को लेकर जो इनकी पॉलिटिक्स का एक नैरेटिव सेट करते? सबसे पहले तो ये समझना होगा पूर्णिमा जी कि कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन को नहीं जोड़ा। 2004 में जब गठबंधन की यूपीए की सरकार बनी तो उस समय पर सीपीएम के नेता थे हरकिशन सिंह सुरजीत जी, उन्होंने सभी दलों को एक मंच पर लाया और कांग्रेस की सरकार बनी। और 2004 का जो गठबंधन था वही 2009 में रिपीट हुआ, इसलिए गठबंधन बिखरा नहीं। 2024 का जो गठबंधन बना वो नीतीश कुमार जी की पहल पे बना और सभी क्षेत्रीय दलों को वो लेके आए। जहाँ तक ममता जी और कांग्रेस के संबंधों का सवाल है तो आप पीछे देखेंगी तो आप पाएंगी कि ममता बनर्जी ने कभी भी कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया। वो जब भी कांग्रेस के नेताओं से मिलने भी आई तो सोनिया गांधी से मिलती थी, राहुल गांधी जी के अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने राहुल गांधी जी से भेंट करना कभी भी उचित नहीं समझा। इसका मतलब ये हुआ, दो तीन चीज़ों को अलग अलग समझिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट किया गया कि वो नेता के प्रतिपक्ष बनाए गए हैं तो इंडिया ब्लॉक के वो नेता होंगे, तो एक बात ये स्पष्ट हो रही है कि इंडिया ब्लॉक राहुल जी को अपना नेता प्रतिपक्ष स्वीकार नहीं कर रहा, यानी नेतृत्व स्वीकार नहीं है, वो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं। दूसरी बात, ममता बनर्जी जी उसी समय इंडिया गठबंधन को छोड़ दी थी जब लोकसभा चुनाव के समय वो अलग चुनाव लड़ने का फैसला की थी। रही बात नीति आयोग की, नीति आयोग एक थिंक टैंक है, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, वहाँ राज्यों की अपनी आवश्यकता के हिसाब से नीति तय होती है और उस नीति के आधार पर केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ समन्वय
बिठा के उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुदान देता है। तो ये जो दोनों पक्ष हैं, एक राजनीतिक पक्ष और एक प्रशासनिक पक्ष, दोनों पक्षों को यदि आप देखें तो राजनीति उस प्रशासनिक पक्ष से, क्योंकि इनको कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होना, इसलिए इस पर राजनीति चमकाई जा रही। 2023 मई में भी जब नीति आयोग की बैठक हुई थी तो उसमें भी नीतीश कुमार भी जो विपक्ष में थे वो भी नहीं आए थे, ममता बनर्जी भी नहीं आई थी। तो इस बार हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी जी का नीति आयोग की बैठक में आना, कुल मिला के इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को ये संदेश देना है, क्योंकि झारखंड में भी चुनाव है तो ममता जी ये बराबर दिखा रही हैं कि हम कांग्रेस के बराबर हैं, हम उसके पीछे चलने को तैयार नहीं है। और हेमंत सोरेन जी की तरफ से ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि झारखंड में जो भी होगा मेरे नेतृत्व में होगा, हम ही हैं। ठीक है, इसका जवाब नीरज मिश्रा जी आपसे लूंगी, डिबेट को ओपन करते हैं, लेकिन एक जल्दी से काउंटर क्वेश्चन राकेश शुक्ला सर आपसे लेते हुए, वैधानिक रूप से मुझे आप ये बताइए, क्योंकि बीजेपी कह रही है ये संघीय ढांचे पर प्रहार है जो बार बार विपक्ष करता है, क्या वैधानिक रूप से मुख्यमंत्री इस बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं नीति आयोग की? नहीं, जब वो संवैधानिक संस्था ही नहीं है, वो थिंक टैंक है, तो उसमें वैधानिकता का प्रश्न ही नहीं आता। वैधानिकता का प्रश्न तब आता जब वो संवैधानिक संगठन होता, तो संवैधानिक नहीं है तो वहां मुख्यमंत्री नहीं आते। जैसे केरल के मुख्यमंत्री का अभी मैं समाचार पढ़ रहा था, उन्होंने बजट के पहले एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को कि मैं क्योंकि नहीं आ सकता कुछ कारणों से, इसलिए क्या हमारे वित्त मंत्री इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। नीरज मिश्रा जी जल्दी से जवाब लूंगी, जिस बात का जिक्र अभी राकेश शुक्ला जी ने किया, मैसेज बहुत क्लियर है, ममता बनर्जी का ये स्टैंड किसी और को कोई संदेश दे ना दे, ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होकर अपना संदेश दे पाए ना दे पाए, कांग्रेस को संदेश बहुत क्लियर है, मैं तय करूंगी कि मुझे करना क्या है, ये मुझे अलायंस नहीं बताएगा। पूर्णिमा जी, राकेश जी ने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया सिचुएशन को। राकेश जी पता नहीं ये भूल गए या जनता को शायद ज्यादा मासूम समझते हो कि इस देश के अंदर ये जितनी पार्टियां हैं जो किसी ना किसी समय पर बनी, वो मूलतः विरोध कर रही थी हम लोगों का, और जब क्षेत्रीय राजनीति की बात आती है, उनको अपनी जमीन बचानी होती है, तो उनको सबसे पहले जो दिखता है, सबसे मजबूत सामने जो विपक्ष में आदमी, वो कांग्रेस का दिखता है, तो वो तो क्षेत्रीय राजनीति है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि आज जब ममता बनर्जी इस मीटिंग के लिए आ रही है, तो उन्होंने ये बात तो स्पष्ट कर दी है कि वो विरोध करने आ रही है। और आप समझिए इस मीटिंग का विरोध क्यों है, जब कर्नाटका और तमिलनाडु में आपदा आती है और उनके अपने टैक्सेस के पैसे वापसी मांगे जाते हैं, तो ये सरकार हिलती नहीं, फिर उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, जहां सुप्रीम कोर्ट इस सरकार को हर बार की तरह तमाचा मारकर कहता है कि आप भैया इनके पैसे दे दीजिए, लेकिन वही जब देश के किसी और प्रदेश में जहां इनकी सरकार है, वहां अगर कुछ होता है तो वहां इनके सारे खजाने खुल जाते हैं। डेढ़ साल से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को एक स्पेशल पैकेज की जरूरत थी, वहां तो कोई बात नहीं हुई, जबकि इनके प्रदेश की सरकार है। इसलिए ये जो दोहरा रवैया जो है सरकार का, एक क्विक काउंटर लेना चाहती हूँ नीरज जी, आती हूँ फिर उसके बाद सिंह साहब आपके पास जवाब दीजिएगा। नीरज जी, जब आपकी सरकार थी, मतलब कहने का मतलब है कि जब यूपीए की सरकार थी, तो आपने जब बजट पेश किया तो बिहार को जितना पैसा दिया वो इनके दिए से कम था या ज्यादा? देखिए, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, उसमें तो हमेशा से हमने बिहार को हमेशा से अच्छे तरीके से ट्रीट किया, लेकिन हमने ये नहीं किया क्योंकि बिहार की और आंध्रा की वजह से सरकार चल रही है, और उड़ीसा में एक, सुनिए ना पूर्णिमा, पूर्णिमा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, पूर्णिमा एक इम्पोर्टेंट राज्यों में पॉइंट तो समझिए, क्योंकि आप लोग मीडिया से एक चीज गायब रखे हुए कि वो जो उड़ीसा के अंदर एक सरकार चल रही है ना, जिसकी कुर्सी और हिल रही है, क्योंकि कब बीजेडी और कांग्रेस सरकार बना लेगी, तो स्पेशल सहूलियत एक उड़ीसा को भी दी है, लेकिन ये क्योंकि कुर्सी बचाओ बजट बहुत ज्यादा दिन चलेगा नहीं, इस बजट की म्याद जैसे खत्म होगी शायद सरकार की भी हो जाएगी, तो चलने दीजिए। झारखंड में तो देखिए, मैंने पूर्णिमा जी अपने ओपनिंग कमेंट में ये कहा कि विरोध करने के दो तरीके होते हैं, आप या तो सिविल डिसोबीडियंस कर लेते या आप नॉन कोऑपरेशन कर लेते, ये तो आजादी के आंदोलन से हमने सीखा है ना, हमने इस बात के लिए समझा है कि इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जाइए एक इंस्टीट्यूशन जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए जाना जाता है, जहां उसको तार तार किया जा रहा है सदन के अंदर, ऐसी मीटिंग में जाने का कोई औचित्य नहीं। ठीक है, ठीक है, सिंह साहब जल्दी से जवाब लूंगे आपसे। देखिए, हमको लगता है कि वो जो जार सिरोसिस वाला पैसा है ना, वो पैसा बोल रहा है, नहीं तो आपने छोटा सा जिक्र करना था, यूपी को सबसे ज्यादा बजट जाता है, सेकंड से बिहार को जाता है, तीसरे पे वेस्ट बंगाल पे, चौथे एमपी
पांचवे प्यामदा में 2024 में यूपी को प्रथम, बिहार को दूसरा, एमपी को तीसरा, वेस्ट बंगाल को चौथा, महाराष्ट्र को पांचवा। लेकिन विरोध करना है, करिए विरोध। विरोध इस तरह से कर रहे हैं भैया, विरोध करना है तो उस विरोध के स्वर को भी सुनना होगा ना। पंजाब से पंजाब के मुख्यमंत्री सुखू जी पूछ रहे हैं हुई कांग्रेस, हुई राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि जो है हम तो अकेले रहेंगे, तो मुझे लगता है कि वो विरोध आप वहां देंगे, यहाँ विरोध आपका चलेगा। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, जानती है क्या हुआ है पूर्णिमा जी? पूर्णिमा जी लोगों को वहम हो गया, अहम और वहम की दवा जो है ना वो जनता ही करती है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हमारी सरकार है। भैया आपकी सरकारों में भेदभाव के कार्य होते थे। एक बड़े अखबार ने एक खबर छापा था 2012 में कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मैं गुजरात इस नाते नहीं आ सकता हूं क्योंकि वहां हमारी सरकार नहीं है, वहां पे जाने पे मैडम नाराज हो जाएंगी। तो ये भेदभाव के कार्य कांग्रेस करती थी। आपको बताना चाहूंगा एक एक सिलसिलेवार करके कि अगर बजट में यूपी को 2,23,000 दिया गया तो बिहार को 1,25,000, मध्य प्रदेश को 97, पश्चिम बंगाल को 93,000 करोड़, महाराष्ट्र को 78,000 करोड़, और जहां तमिलनाडु में इनके सहयोगी की सरकार है वहां तो गुजरात से भी ज्यादा 50,000 करोड़ दिया गया है। कर्नाटक में जो यहाँ इनकी सरकार है वहां 45,000 करोड़ दिया गया। तो मुझे लगता है कि विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बताने का कार्य कर रहे हैं कि हम अभी भी जिंदा है। लेकिन सिंह साहब ये बताइए कि इस बात को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि मैं कहती हूँ इसमें क्या दिक्कत है, अगर आपकी कोएलिशन की सरकार है, आपके दो साथी हैं, स्पेशल स्टेटस की वो मांग कर रहे थे, स्पेशल स्टेटस के लिए आपने हाथ खींच लिया, तो इसीलिए आपने एक विशेष आर्थिक पैकेज की बात कर दी, आप दे रहे हैं उनको, उनको जरूरत है, तो ये मानने में क्या समस्या है? आती हूँ सब। दो चीजें पूर्णिमा जी देखिए भारतीय जनता पार्टी ये बताने का कार्य करती है कि हम अपने सहयोगियों को सर आंखों पर बैठा कर चलते हैं, आपकी तरह नहीं चलते हैं। कि आदरणीय जो है स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को आपने कहा कि ममता बनर्जी को समर्थन मत करिए, राष्ट्रपति चुनाव में हमको करिए, और बाद में धोखा दे दिए, ये बात स्वयं मुलायम सिंह जी कहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी उतरती। 48,00,000 करोड़ रुपए का एक समतल बजट, ऐसा बजट जहां सबके विकास की बात हो रही है। भाई कर्नाटक आपका राज्य है, तमिलनाडु आपकी बात मान क्यों नहीं रहे, पश्चिम बंगाल पर आपकी बात मान क्यों नहीं रहे हैं, या आप इनको समझा नहीं पा रहे हैं कि भाई आपके राज्यों को भी दिया है, आंखें खोलिए देखिए जरा आंकड़ों पर गौर फरमाइए। नहीं पूर्णिमा जी ये लोग जान रहे हैं, लेकिन ये लोग जो बाहर से फंडिंग हुआ है ना कि भारत को कैसे बांटिए, उत्तर दक्षिण में बांटिए, पहले तो हमारे नहीं उनको बाहर डाल दिया और चुनाव समाप्त हो जाए तो ले लीजिए। आप रंग भेद वाला बयान सुनी थी ना, नीरज जी उस डिबेट में थे आपके चैनल पे हुआ था, उन्होंने कहा नहीं वो उनका निजी मामला है, कल आप हाउस में भी देखिए, तो निजी मामला का क्या भारत के बंटवारे के लिए नींव रखने का कार्य कर दिए इनके, चाहे मुख्यमंत्री हो कर्नाटक के, चाहे इनके जो कल का बयान हो या पुराना बयान हो। तो मुझे लगता है कि ये ठीक है। नीरज जी लेती हूँ आपका जवाब, मुझे जरा 2 सेकंड का समय दीजिएगा, क्योंकि ये बार बार बहुत भ्रम फैला रहे थे, सिर्फ 10 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। ये जो बार बार फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं ना, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है वो जो चीन आपके घर में घुसकर बैठा है, आपको उससे उधार चाहिए, जैसे उधार की सरकार चला रही है, इस देश का बजट भी आप उधार से चलाएंगे, मुझे कुछ नहीं कहना। इनके पास तो 1 रुपया जो सरकार के पास आ रहा है उसमें 96 पैसा उधार का है। इस तरीके की सरकार जो उधार पर चल रही है उस सरकार को तो बिल्कुल भ्रष्ट खत्म हो जाना चाहिए। खतरे में कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं, विदेशियों को भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 6-8 महीने की बात है, 6-8 महीने की बात है, ज्यादा परेशान मत हुई है, उधार की सरकार है, उधार का बजट है, 6-8 महीने के लिए रुक जाइए। ठीक है सिंह साहब जरा रुकिएगा। विनीत सिंह, विपक्ष तो इस बात से ही खुश है और बार बार इस बात को दोहराता है कि 6-8 महीने की सरकार है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। मतलब आपने अभी उनको खुश कर दिया, ठीक है 6-8 महीने के लिए सेटल हो गए, कब गिर जाएगी सरकार पता नहीं है, फिर इन्हीं का नंबर आएगा, तैयारी करके बैठे हैं पहले से। जी गालिब कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, इनको सोचने दीजिए। अब मुझे बड़ा दुख होता है कि क्या इनको अफसोस इसलिए हो रहा है कि बिहार जो कि डिजर्व करता है स्पेशल पैकेज का, या आंध्र रिओर्गनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत
आंध्र प्रदेश डिजर्व करता है, इससे ये दुखी हैं। और ये पूर्णिमा जी कैसा विरोधाभास, बिहार में कांग्रेस का जो यूनिट है वो स्पेशल पैकेज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात कर रहा था, जब यहाँ मिला तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है यहाँ पे बैठ के शोर मचा रहे हैं। क्या बिहार डिजर्व नहीं करता है? और मैं दो आंकड़े आपको देना चाहूंगा। 1966 में जब हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, पंजाब हरियाणा में किसकी सरकार थी, तो क्या किसी राज्य ने उसके बारे में बुरा माना था? या जब यूपीए की सरकार थी तो साउथ इंडियन स्टेट्स को जब आप देते थे तो उस केस में क्या हम लोग अफसोस जाहिर करते थे कि हमें क्यों नहीं मिला है? परेशानी क्या है ना पूर्णिमा जी, ये लोग एक दुखी आत्मा है, कुछ कीजिएगा उससे परेशान है, ना कीजिएगा उससे परेशान है। ये पहले कहते थे मंत्रालय में जब आवंटन हुआ था कि भैया अपने सहयोगी दलों को ये भाव नहीं देते हैं एनडीए वाले, जब सहयोगी दलों के राज्यों को जो कि डिजर्व करता है बिहार झारखंड के जाने के बाद, फिर उसमें भी ये दुखी हो रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं। मैं आखिरी में दो लाइनें दिनकर की जो पशुराम की प्रतीक्षा में कह के समाप्त करूंगा कि पूर्णिमा जी कहते हैं जो कि विपक्ष के लिए लागू होता है कि दुश्मन नहीं यही विपक्ष जनता को मारेगा और अपने घर में ही स्वदेश हारेगा, इन लोगों के कारण जो है हमारा देश है जो पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन हम जाने उसको नहीं देंगे, आपको आना है नहीं आना है आपका प्रॉब्लम। ठीक है नीरज जी, लेती हूँ जवाब, मुझे जरा थोड़ा सा समय दीजिएगा, सुमित मेहरोत्रा के पास जाना है, राकेश जी भी हैं, फिर हेडलाइंस के लिए भी जाना होगा। सुमित मेहरोत्रा, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, एक अलग रूट ममता बनर्जी हमेशा लेती हुई नजर आती हैं विपक्ष के साथ, अलायंस के बीच, और पिछले कई ऐसे उदाहरण हैं। मैं मानती हूँ कि उनका अकेला तरीका है, वो अपनी तरीके से लड़ना जानती हैं, आपने कहा शेरनी है, ठीक है मैं वो भी चलिए मान लेती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग तो गलत होती है ना। जब आप अलायंस के साथ हैं, आप लोकसभा चुनाव याद कर लीजिए, जब उससे ठीक पहले कहती हैं कि अगर जीत गया अलायंस तो हम बाहर से समर्थन दे देंगे, लेकिन उससे पहले ममता दीदी बहुत क्लियर करती है कि हम शामिल नहीं होंगे विद इन, लेकिन कई बैठकों का भी वो हिस्सा थी। तो झटके पे झटका, सिंगल रूट, अकेले इंडिविजुअली ले लेना, एक मैसेजिंग तो गलत करता है ना अलायंस के लिए। बिल्कुल अड़िंग हूँ कि उसे कोई पलटू की निकालत वो नहीं करूंगा, पर आज हम लोगों को ये देखना है कि नीति आयोग में क्या नीतियां बन रही हैं, क्या हो रहा है बंगाल को लेकर के और आपका झारखंड को लेकर के या अलग अलग प्रदेशों को लेकर के। अगर हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, चलिए हम नहीं जाते, हम रोक करके बैठ जाते, हमारे बंगाल को क्या मिलेगा, कौन सा फंड मिलेगा, जो पिछली बार हम लोगों को नहीं मिला था क्या वो भी हम लोगों को नहीं मिलेगा? सर हम लोग बंगाल वासियों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है, पर आज भाजपा ये चाहती है या और मीडिया सोर्सेज है कि आप लोग गए तब भी आप विरोध कर रहे हैं, आप लोग नहीं गए तब भी, अरे भाई हम लोग तो जाकर के ही विरोध करेंगे, उनके सामने रहकर के विरोध करेंगे, चाहे संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो, हम लोग डरेंगे नहीं, लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़ करके हमें लेना है इनसे सारे अधिकार। मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया आपने मेहरोत्रा जी, मेरे मूल सवाल को आप अक्सर गुम कर जाते हैं। आप जवाब वो देते हैं जो आप सोच कर बैठे होते हैं, मेरा मूल सवाल आप गप कर जाते हैं। नहीं पूर्णिमा जी ऐसा कुछ नहीं है, देखिए मैं कई बार आपके बैठ में बैठा, मैं आपको हर बात का जवाब दूंगा, पर आप लोग ये चाहते हैं कि विपक्ष किसी तरीके से अलग हो रहा है, हम अलग नहीं है ना, अलग नहीं हो रहा है सर। मैंने तो संकेतों, देखिए राजनीति संकेतों का खेल होता है, उसी संकेत से संदेश निकलते हैं, और जब संदेश पढ़े जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो फिर आप संकेत देते क्यों हैं कि हम संदेश पढ़े उसमें से? नहीं हम लोग करके, अरे आप मुझे बताइए, लोगों ने बहुत कहा टीटी अलग होकर लड़ रही है, बहुत नुकसान होगा, सारी मीडिया चिल्ला रही थी टीटी की सीटें कम आ जाएगी, बंगाल में ऐसा हो जाएगा, बंगाल में भाजपा बहुत अच्छे नंबर जीतेगी, सारी क्या हुआ धड़ाम गिरी भाजपा वहां पे, तो वहां की जनता तय कर चुकी थी कि हमें क्या करना है और अभी भी और आगे भी तय कर। ठीक है सिंह साहब इसका जवाब देना चाह रहे होंगे, नीरज जी आपके पास भी आऊंगी, राकेश जी आपके पास भी, एक बार हेडलाइंस कहता हूँ कि भाजपा खेल कर रही है जनता के सामने, भाजपा ने खेल करा है और हम उसे खेल को सही से उन्हें खेल चलकर लड़की। ठीक है नीरज जी अपनी बात को रखिएगा, फिर राकेश सर आपके पास आती हूँ सिंह साहब। पूर्णिमा जी अभी मैं कुछ खबर देख रहा था तो समझ आया कि जैसे ही ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हैं, उन्होंने तो दिल्ली में ये कह दिया है कि नीति आयोग जैसी संस्था को तो स्क्रैप कर देना चाहिए और वापस जो कांग्रेस के जमाने में प्लानिंग कमीशन होता था ये तो उस तरीके का एक कमीशन बनाना चाहिए, क्योंकि नीति आयोग के पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है। आप समझिए,
सारी पार्टियां, क्योंकि कल अभिषेक बनर्जी का बयान भी आपको याद रखना होगा जब उन्होंने कहा कि मौसम बिगड़ने वाला है, वो भी इंडिया अलायंस के नेता के तौर पर बात कर रहे थे और बार बार इंडिया की बात कर रहे थे। तो सब लोग सेम पेज पर हैं, विरोध का तरीका अलग इख्तियार किया गया है और वो तरीका इसीलिए इख्तियार किया गया है कि जनता की जो एक एक रुपया करके बचाई हुई जो उसकी आमदनी थी उसके ऊपर जो इन्होंने डाका डाला है, चाहे सोने पर चाहे घर पर, और इनका बस चले तो सांस लेने पर भी जो ये डाका डाल देंगे, उसका विरोध सब लोग मिलकर कर रहे हैं। ठीक है सिंह साहब, थोड़ा सा समय दीजिएगा, बस आती हूँ मैं आपके पास, एक बार राकेश जी के पास मुझे जाने दीजिए, बस इसका काउंटर आप रेडी रखिए, बस काउंटर आप रेडी रखिएगा सर, बस आ रही हूँ आपके पास। राकेश सर, अभी शुभेंदु अधिकारी का बयान आया ममता बनर्जी को लेकर, और वो ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ममता बनर्जी ये कहती हैं कि नीति आयोग पर उन्हें भरोसा नहीं है, फिर वो इस बैठक में क्यों जा रही हैं, पश्चिम बंगाल को उन्होंने बर्बाद कर दिया, विदेशी मामलों में दखल देती हैं, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, बहुत कुछ उनकी तरफ से कहा गया, लेकिन वो ये कहती है कि जब इस व्यवस्था पर ही उनको यकीन नहीं है तो फिर इस बैठक में शामिल होने का मकसद क्यों, फिर हेमंत सोरेन पर आ जाइए, तो उनका भी सिर्फ इसको एक विरोध दर्ज कराने का तरीका देखा जाए या फिर इसमें बीचों बीच कुछ बिटवीन द लाइंस रीड करने के लिए है। नहीं देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। पहले हम समझते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा क्या, तो देश के 5 राज्यों की तरफ से विशेष राज्य के दर्जे के लिए दावा किया गया, मुझे लगता है सभी लोगों को पता होगा, उसमें आपका राजस्थान, गोवा भी और उड़ीसा भी है और बिहार आंध्र प्रदेश तो है ही है। अब सबसे मूल प्रश्न ये आ रहा है कि विशेष राज्य के दर्जे का दावा वो राज्य करते हैं जो राज्य अन्य राज्यों से खुद को पीछे महसूस करते हैं, यानी विकास की दृष्टि से, उसमें आंध्र प्रदेश भी है और बिहार भी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि क्या विशेष राज्य के दर्जे के लिए शब्द अनुदान की मांग कर रहे हैं, तो एक जो देसी शब्द है वो है बीमारू राज्य, तो क्या कांग्रेस शासित राज्य भी खुद को अपना बीमारू राज्य मानते हैं, नंबर एक। नंबर दो, क्या ममता बनर्जी जो लंबे समय से बंगाल में शासन कर रही हैं, क्या वो भी मानती हैं कि बंगाल बीमारू राज्य है और उसको भी विशेष अनुदान की आवश्यकता है। फिर रही बात पॉलिटिकल की, तो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एक अलग पॉलिटिक्स की जा रही है बंगाल में, ममता बनर्जी अब बंगाल की पॉलिटिक्स नहीं कर रही, वो सेंटर की पॉलिटिक्स कर रही है और सेंटर में वो हमेशा अपने को सेंटर में रख के चलने की पॉलिटिक्स करती है, तो इसलिए वो सेंटर की पॉलिटिक्स क्या है कि यदि इंडिया गठबंधन मान के चले कि हम ममता बनर्जी को साइडलाइन कर देंगे तो हम एनडीए के साथ पुराने साथी रह चुके हैं, और आप याद करिए कि 2014 से 24 के बीच में कई अवसर ऐसे आए हैं जब सदन के अंदर ममता बनर्जी ने एनडीए को अप्रत्यक्ष सहयोग किया बहिष्कार करके सदन से, तो इसलिए जो बिटवीन अलायंस की आप बात कर रही हैं तो बिटवीन द अलायंस यही है कि ममता बनर्जी सेंटर की पॉलिटिक्स लेके ही चलेंगी, वो न दाएं दिखेंगी और न बाएं दिखेंगी। और ऑन द लाइटर नोट, आम की मिठास की भी इसमें बड़ा योगदान है जो हमेशा बनी रहती है। सिंह साहब, आपके पास आते हुए मैं ये सवाल, आप अपना काउंटर जरूर रखिएगा, लेकिन इसके साथ साथ ये वाकई में बताइए कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनके साथ क्या बजट में सच में भेदभाव हुआ है, क्योंकि आप कन्विंस नहीं कर पा रहे, या तो फिर इसको सिर्फ एक सियासी चश्मे से हम देखते हैं, समझते हैं कि नहीं, क्योंकि विरोध करना है, विपक्ष है, विपक्ष इसी तरीके से आगे बढ़ता है और इसीलिए विरोध करना है, फिर चाहे फैसला सरकार की तरफ से कोई भी हो, जो हमने पिछले कई फैसलों के साथ देखा भी है। सिंह साहब, पूर्णिमा जी, मैं पहली बार भी कहा, दोबारा भी कह रहा हूँ, विरोध इसलिए नहीं किया जा रहा कि बजट में कुछ हुआ है। हाँ। भाई जब बजट नहीं आया था, जब पाकिस्तान में जाके कहा गया कि आप मदद करिए भारत में, नहीं तो मोदी जी नहीं हटेंगे, ये सब मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये सब किसी का पैसा बोलना है भैया, नहीं तो इनसे पूछिए कि किसानों के लिए विरोध तो लोकतंत्र में सबको करना चाहिए, लेकिन किसानों के लिए विरोध आप दिल्ली में करेंगे, कर्नाटक में चू बोले हो तो आप बता दीजिए, नहीं विरोध करेंगे, अभी कहीं और की बात करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा जाएगा कि संदेश खाली पर एक बार सब बोल दीजिए, नहीं बोलेंगे, धर्मांतरण पे नहीं बोलेंगे, 3 तलाक पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने तेलंगाना में खास शिक्षा में छूट देना, एक लोगों की नसबंदी, एक लोगों की पूरेबंदी, ये सारे कार्य करते थे पूर्णिमा जी,
बांटेंगे नहीं तो 20% को सुरक्षित करना, हिंदुओं को जातियों में बांटना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का भेद करना। लेकिन पूर्णिमा जी, देश की जनता जानकार है, आज 14 राज्यों में 0 अंक पर ये चल रहे हैं। देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अधिकांश प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और पूर्णिमा जी, लेकिन वो आपकी जीत को जीत के तौर पर कहां मानते हैं? वो तो ये कह देते हैं कि बीजेपी ने तो मुंह की खाली 2024 के चुनाव में। वो आपकी जीत को जीत के तौर पर देखते कहां हैं सिंह साहब? वो तो कह रहे हैं ना कि आपने तो कह दिया था बड़ा 400 पार जाएंगे, अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाए, दो साथियों की जरूरत पड़ गई। पूजा जी लक्ष्यों का निर्धारण करना, उसके लिए कार्य करना। राहुल गांधी जी की तरह थोड़े ना कि हम देश छोड़ के चले जाएंगे, कहें कि इस बार देख लीजिएगा मोदी जी की सरकार ही नहीं बनेगी। मुझे लगता है उस सौगंध की चिंता कर, और देश में पहली बार यह इतिहास बना है कि चुनी हुई सरकार तीसरी बार आई है। और जो सहयोगियों की गाली सुनते थे, जिस पार्टी का जन्म ही आम आदमी पार्टी का जन्म के भ्रष्टाचार के विरोध में हुआ, उसको साथ लेकर चलने के बाद संविधान लगभग 103 बार खुद बदले, ये कहने के बाद झूठे की संविधान बदल जा रहा है। हालांकि संविधान को तो तोड़ मरोड़ के रख दिए, ये धर्म पे आधारित संविधान नहीं था, लेकिन धार्मिक संविधान बनाने वाले और तमाम इस तरह के झूठे प्रचार करने वालों को पूर्णिमा जी जनता ने जवाब दे दिया, उसके बाद भी नहीं लग रहा है। तो आप ये मान कर चलिए कि जनता की लाठी में बहुत अंतर है। आप देखेंगे आने वाले समय में इसमें फिर वही वाली बात सिंह साहब आ जाती है कि अपनी अपनी नकली अपना अपना राग। कहने का मतलब ये है कि विपक्ष भी कुछ इसी लाइन लेंथ पर चलता है, फिर सरकार भी इसी लाइन लेंथ पर बात करती है। ठीक है, मैं अंतिम के 5 मिनट में हूँ सिंह साहब, जरा मुझे जल्दी से एक एक कमेंट बाकी सबसे भी लेना होगा। आप नीरज जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, अपना काउंटर रखिएगा। सुमित जी आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद विनीत जी, राकेश जी आपके पास आऊंगी। पूर्णिमा जी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि सिंह साहब का फेवरेट टॉपिक राहुल गांधी है और उनकी विदेश यात्रा है, पर सिंह साहब जिनको आप विदेश भेज रहे थे, आप जहाँ सुनिए ना, आप जहाँ से सरकार चला रहे हैं वहाँ बगल में पहले से बड़े बंगले में वो शिफ्ट कर रहे हैं और आपको उतना ज्यादा परेशान करेंगे जितना बड़ा वो बंगला होता जा रहा है। उसका नाम भी बहुत अच्छा है सर, बंगले का नाम भी, बंगले का नाम और जो जगह है वो भी बहुत अच्छी है। पूर्णिमा जी, मैं तो यही कह रहा हूँ, राहुल जी अब यही है, आप लोगों के बीच में है और पिछले 20 साल में जैसे आम आदमी की बात उठा रहे थे उसको और मुस्तैदी से उठाने वाले, तो ये सारी बातें अलग। लेकिन पूर्णिमा जी देखिए, ये जो घोष किया गया ना, भारत 24 एक बड़ा जिम्मेदार चैनल है, हिमाचल की बाढ़ को भारत 24 ने दिखाया, कर्नाटक में जो सुखाड़ पड़ा उसको भारत 24 ने दिखाया, और इस बजट के अंदर जहाँ हिमाचल को कर्नाटक को सुनेंगे नीरज जी क्या कह रहे हैं, सुनेंगे सिंह साहब प्लीज। हाँ बोलिएगा। देखिए पूर्णिमा जी, मैं ये कह रहा था कि भारत 24 एक बड़ा जिम्मेदार चैनल है, इसने हिमाचल में जब बाढ़ आई तो उसको बहुत अच्छे से कवर किया और पूरे देश को बताया कि हिमाचल की क्या स्थिति हो गई। कर्नाटक के अंदर जब सुखाड़ हुआ तो भारत 24 के कैमरास ने दिखाया कि कर्नाटक के किसानों को कितनी परेशानी हो रही। लेकिन इस बजट के अंदर इस सरकार ने ना हिमाचल के लिए ना कर्नाटक के लिए, मेरे पास समय कम है, मैं इस तरीके से प्रतिक्रिया ले नहीं पाऊंगी सिंह साहब, मैं इस तरीके से प्रतिक्रिया सर ले नहीं पाऊंगी क्योंकि समझ में फिर कुछ आता नहीं। आप मेरी मजबूरी समझिए सर, प्लीज मेरी मजबूरी समझिए। जल्दी से विनीत सिंह एक बार आपके पास आ गए, तरह से हिंदू धर्म को जातियों में बांटते हैं। ठीक है सर, पूर्णिमा जी, आप बजट की बहस, नीति आयोग की बहस, इधर उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, इधर उधर नहीं जाएंगे। विनीत जी आपके पास आते हैं, मैसेज क्लियर नहीं मिला अंग्रेजी की कहावत है, सिंह साहब प्लीज वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, आपको कॉफी सूंघने की जरूरत है। नीरज जी प्लीज, नीरज जी प्लीज, नीरज जी प्लीज, सिंह साहब प्लीज, किसी को कुछ भी बताते हैं उस दिन, सिंह साहब प्लीज, यही तो बताया जा रहा है। ठीक है सर, गांधी जी क्या सीख रहे हैं? ठीक है सिंह साहब प्लीज 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 विनीत जी। जी पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा, एक कांग्रेस या विपक्ष या इंडी ब्लॉक जिसको जो कहना है कह ले, नीति आयोग में अगर आप पहुंचते तो आप अपनी बात को मजबूती से रख सकते थे, जनता आपसे निराश होगी और जनता को बिल्कुल आपको जवाब देना होगा जब आप लौट के जाइएगा। ठीक है, अपने क्षेत्र में। ठीक है, सुमित मेहरोत्रा। जिस तरीके से आज नीति आयोग का डाक करा जा रहा है उसको तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पे गई है विरोध प्रदर्शन करेगी या उन्हें कुछ अच्छा मिलेगा तभी है, वरना हमें नहीं समझ में आता कि बंगाल को ये लोग आप सेंटर में सरकार क्यों नहीं बना लेते हैं। सुमित मेहरोत्रा बिल्कुल तो बना लीजिए, फिर उसके बाद नीति आयोग को बंद कर दीजिएगा, संसद को ब्लॉक कर दीजिएगा, नीति आयोग को बंद कर दीजिएगा।
उत्तर प्रदेश से सरकार गिरने वाली है, डबल इंजन की गवर्नमेंट हमारी गिरने वाली है। आप उत्तर प्रदेश तक सीमित रह गए, मैं आपको कह रहा हूँ आप सेंटर में सरकार बना लीजिए। आप फिर स्टेट पॉलिटिक्स करने लगे। अरे भाई नीति आयोग है, बाकी राज्यों को करनी है चर्चा अपनी अपनी जरूरतों पर। और अगर नीति आयोग को एक सेकंड सिंह साहब रुकिए, सुनिए मेरी बात, सुमित मेहरोत्रा, अगर नीति आयोग को बंद ही कर देना है, एक सेकंड एस एन सिंह साहब प्लीज, एक सेकंड सर, सुमित मेहरोत्रा, मैं ये कह रही हूँ कि अगर नीति आयोग को बंद ही कर देना है तो फ्लाइट का खर्चा क्यों कर रही है ममता बनर्जी? छोड़ दीजिए ना सर, क्यों जा रहे हैं, क्यों ये कर रही है, क्यों विरोध कर रही है? अरे भाई ममता बनर्जी के नाम से, ममता बनर्जी के नाम से इतना ही खौफ है तो आगे आने वाले समय में और क्या होगा? हम तो खुद कह रहे हैं जो खौफ दिख रहा है वो और मेहरोत्रा जी, लगातार आप ममता बनर्जी के नाम पे ऐसा लगता है डरा रहे हैं, खौफ है, शेरनी है, डटी रहेंगी, आगे बढ़ती रहेंगी। अरे किस में खौफ पैदा कर रहे हैं भाई, किस में खौफ पैदा कर रहे हैं? सही डर रहे हैं लोग, पूर्णिमा जी, इन लोगों ने पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोगों को डरा, और मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि इससे क्या आने वाले वक्त में विपक्ष की पॉलिटिक्स का नैरेटिव मजबूत होगा, अगर मैं सिर्फ इन दो उदाहरणों को भी छोड़ दूं नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर देने से। देखिए विपक्ष समय समय पर निश्चित तौर पे एकजुट भी दिखता है, और समय समय पर विपक्ष के जो दल हैं वो अपने आप को इंडिविजुअल भी दिखाने की कोशिश करते हैं, और जब तक ये दो तरह की धाराएं होंगी तब तक विपक्ष को मजबूत कहना थोड़ा सा कठिन होगा। तो जब तक इनमें एकजुटता नहीं होगी तब तक विपक्ष को एकजुट कहना गलत होगा, और मुझे लगता है एक ब्लॉक कहना भी गलत होगा। इसलिए विपक्ष की मजबूती उस स्थिति में नहीं होगी जब तक कांग्रेस का नेतृत्व रहेगा, और नेतृत्व की लड़ाई विपक्ष में इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम दल कांग्रेस से ही पैदा हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, राकेश शुक्ला जी आपने समय दिया, चर्चा का हिस्सा बने, एसएनसी के साहब आपका भी धन्यवाद, नीरज जी शुक्रिया आपका, विनीत जी, सुमित मेहरोत्रा, समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद, दहाड़ में आप शामिल हुए।